बिजनेस करने के चाहे हमारी नौकरी मिली हुई है, वो सारे हुकूम हमारे छीन लिए जाएंगे। मैं आपको याद देना चाहूंगा, ये सड़क के चौड़ाई पे नाम दर्ज कर सकते हैं, ये संसद में बैठ के देश को नहीं चला सकते, ये हमें देश के लोगों को पता नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची और फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के यहां पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश किया गया है, जिसको लेकर के पूरे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। ज़ाहिर तौर से इसीलिए दिल्ली में भी जो है वो इस गुस्से का जो है वो साफ मंजर नज़र आ रहा है। जंतर मंतर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ JNU के स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो कि साफ तौर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जो है वो रिपील करते हैं, उसका अपोज करते हैं। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ठेस पहुंचाता है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ जो है वो सद्भावना के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे में जब धर्म के आधार पर जो है वो नागरिकता तय की जाती है तो ये कहीं ना कहीं गांधी अंबेडकर की जो भारत देश को लेकर के जो उनका सपना था उसको कहीं ना कहीं चकनाचूर करता है। तो आइए फिलहाल लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि हम ही बुनियाद के पत्थर हैं लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ UAH यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के को फाउंडर खालिद सैफी मौजूद हैं। खालिद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, हमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होने के साथ साथ जो भारत था, एक सपनों का भारत जो महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने और तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी जान देके इस देश को आज़ाद कराया था, उनके सपने के खिलाफ है। क्योंकि इसमें वी द पीपल का जो कोर है, जो पहला वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वही ख़त्म हो जाता है। पहली बार हमारे संसद में कोई बिल ऐसा आ रहा है जिसमें किसी धर्म विशेष को अलग हटा के बाकी धर्मों को वो दिया जा रहा है। उसमें पड़ोसी मुल्कों में जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में उनको इससे अलग कर दिया गया है, बाकी जहाँ पे नॉन मुस्लिम उन सबके लिए भारत में जगह है, सिर्फ मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है। लगता है कि ये एक कदम है हिंदू राष्ट्र की ओर। बिल्कुल, देखिए अनऑफिशियली तो हम लोग जो है ना हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन ये जो है ना एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। और ये साथ साथ जो है ये उन तमाम सेकुलर पार्टीज़ का भी टेस्ट है, खासतौर पर राज्यसभा में जहाँ पे बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, कि कितनी पार्टीज हैं जो इस बिल के खिलाफ वोट करती हैं, कितनी पार्टी हैं जो इसके फेवर में वोट करती हैं, वॉकआउट कर जाती हैं। वॉकआउट करना भी एक साइलेंट समर्थन होता है कि आपने वोट तो निकाला लेकिन आप वॉकआउट कर जाओ, जिससे डिसाइडिंग नंबर्स कम हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत टेस्टिंग टाइम है हमारे देश के लिए, तमाम के लिए। और इसी तरह जैसे तमिलनाडु में इन लोगों ने बाहर कर दिया है तमिल्स को, जो श्रीलंकल तमिल्स है उन्हें उससे बाहर कर दिया गया है, गोरखास को इसमें से बाहर कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने अलग रूल बना रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग बना रहे हैं। आसाम में ऑलरेडी NRC हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो ये तमाम चीज़ें NRC और CAB दोनों एक दूसरे को मिला के ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अस्तित्व के ऊपर खतरा है। ये एक सवाल और ये है कि बहुत से लोगों का भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ही का मतलब नहीं पता है, खासकर बहुत से मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने इस बारे में नहीं पता है। तो क्या लगता है कि जागरूकता फैलाने से इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? देखिए, जागरूकता तो फैलानी पड़ेगी, हम लोगों को जगह जगह पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके हर चीज़ को जो है सोशल मीडिया पर एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा ऐसा ला दिया जाता है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लोग जीते हैं, एक मुद्दे से फौरन दूसरा मुद्दा आ जाता है, पिछली बात को भूल जाते हैं। तो ये ज़रूरत है इस वक्त अपोजिशन पार्टी और जो भी इस बिल के खिलाफ है उनके लिए बहुत मेहनत का और बहुत मुश्किल वक्त है कि वो जाएं, लोगों को बताएं इसके क्या खतरे। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये खतरा तमाम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लाइन में सबको लगना पड़ेगा, पेपर लेके हिंदू मुसलमान सिख सबको लगना पड़ेगा। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने बताया, सिख काले धन वालों को नुकसान होगा, उन्हें नहीं हुआ नुकसान, आम लोग ज़्यादा परेशान हुए। इसी तरह पूरे भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को परेशान होना पड़ेगा इसके लिए।
सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफरीन फातिमा है, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में काउंसलर हूँ। आतिफ राइट, आफरीन। आफरीन, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मांग है आप? मांग हमारी सिंपल सी यही है कि जो आप NRC ला रहे हैं, देश भर में लागू करने की बात कर रहे हैं कि आप एक रजिस्टर बनाएंगे, उस पर चढ़ाएंगे कौन शहर किसको आप शहरियत देंगे किसको नहीं देंगे, हम उसको उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम एक भी दस्तावेज़ नहीं देंगे। और जो आप CAP ला रहे हैं हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं, और हम नहीं मानते कि इस देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ इस तरह डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। इंडिया जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर ऐसी चीज़ मतलब धर्म के आधार पर जो है वो सिटीजनशिप देना, क्या लगता है कि ये धर्मनिरपेक्षता के ऊपर वार नहीं है? धर्मनिरपेक्षता पे बिल्कुल वार है, और ये पहली बार वार नहीं हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत टाइम से इस तरह बिहेव करा जा रहा है। हमको बहुत ही राइट आफ्टर पार्टीशन हमको दूसरे दर्जे की शहरियत दे दी गई, हमको बहुत मार्जिनलाइज करा गया है। सच्चे कमेटी रिपोर्ट भी यही सजेस्ट करती है। आज मुसलमान अपर कास्ट मुसलमान की भी हालत SC ST से भी बुरी हो रखी है। तो हमको कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से, हम बस ये बता देना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे। नहीं मैडम, हम तो पास करने के बिल्कुल खिलाफ है, पास होने ही नहीं है। जितनी भी सेकुलर पार्टियां आज तक मुसलमानों के वोट पर राज करते हुए आई हैं, अब उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। आज हम ये उनको जता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर में, चाहे बिहार के अंदर में हो, UP के अंदर में हो, आसाम के अंदर में, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि इस शहरियत बिल के खिलाफ आप पूरी ताकत के साथ आप अपने स्टेट से लेकर के, आप अपने पार्टी दफ्तर से लेकर के संसद तक इसको पूरी कुव्वत के साथ आप आगे बढ़िए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो मुसलमान जाग चुका है। मुसलमान इस बिल के खिलाफ, ये आइन के खिलाफ है, ये महात्मा गांधी की रूह के खिलाफ है। क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस देश को आज़ाद कराने में, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सोहरावी ने या दीगर लोगों ने, जो लोग भी है, क्या है? हमारा हिस्सा नहीं है। आज जब ये गुलिस्ता में चमन बाहर आ गई है तो कहते हैं कि ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं, ये नहीं चलेगा। हम इस देश के शहरी हैं, हम इस देश के अंदर में पैदा हुए हैं और इसी देश के अंदर में हम मरना चाहते हैं। हमारे साथ फिलहाल JNU की इफ़त एक स्टूडेंट हैं, वो मौजूद हैं। इफ़त, हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, शामिल हैं, क्या लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को आप कैसे अपोज करते हैं? हम यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने आए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप अगर पास हो जाता है ये बिल, तो इस देश से उस तबके को बाहर कर दिया जाएगा जिस तबके ने सावरकर की सोच को ठुकराया था, जिन्ना के पाकिस्तान को ठुकराया था। उस समुदाय को इस देश से बाहर कर दिया जाएगा जिस समुदाय ने अशफाकुल्ला का देश को सोचा था, गांधी के देश को सोचा था, और सेक्युलरिज्म, इस देश को सेक्युलर बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हार होगी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है, हमारा प्रीएम्बल, वो डगमगा जाएगा। लेकिन हमें इन पार्लियामेंटेरियन से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश की आवाम, इस देश की वो आवाम जो इंसाफ परस्त है, वो इस NRC को बॉयकॉट करे। हम अपील करना चाहते हैं कि इस देश की आवाम NRC को बॉयकॉट करे, कोई भी NRC में अपना दर्ज ना कराने चाहे अपने नाम को। और अगर हर एक इंसाफ परस्त तबका अगर बॉयकॉट करता है तो ये बिल पास हो जाने के बाद भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ मुसलमान ही इसको बॉयकॉट क्यों ना करें। आज CAB के नाम पर एक माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेकिन कल किसी और CAB को लाकर महिलाओं को एक्सक्लूड किया जाएगा, किसी दिन दलितों को एक्सक्लूड किया जाएगा, किसी दिन एक दिन आएगा हर इंसाफ परस्त इंसान को CAB के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और इस देश का नागरिक बस और बस वही रह जाएगा जो
सावरकर का देश बनाना चाहता है, एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहता है। जी बिल्कुल, ऐसे में मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल जी। तब ऐसे हालात में जब आप पूछेंगे कि प्याज का रेट 200 रुपया है तो कितना बेशर्मी से कहते हैं प्याज तो मैं खाती ही नहीं, प्याज तो मेरे परिवार वाला खाती ही नहीं। मैडम आप अपना घर का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आप मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर मुल्क खाता है तो आपको बताना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए, जब प्याज नहीं खाते हैं तो मतलब नहीं, गाय का गोश्त भी तो अपने खाते हैं, उसके लिए गाय टेंशन लेते हैं। आप तो गाय का गोश्त नहीं खाते, तो गाय का गोश्त के लिए आपका पेट में क्यों दर्द होने लगता है? कभी टेस्ट किए, टेस्ट करके देखिए एक बार, कभी तो किए नहीं। आप बताइए ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को, मुझे शर्म आती है बोलने में कि निर्मला सीतारमण हमारे जेएनयू से है, एक जेएनयू के नाम पे, जेएनयू होने के नाम पे कलंक है सीतारमण, निर्मला सीतारमण। अगर वो थोड़ा भी, अगर उनके अगर थोड़ा भी उनका चमड़ी का दिल है, पत्थर की मूरत नहीं है, तो वो अपने कभी त्रिवान में छाप के देखे कि उस यूनिवर्सिटी से आती है, उस कैंपस से आती है, उस इदारा से आती है जहाँ से लोग निकल के इस देश के एक पर एक अजीम शख्स पैदा हुए हैं, जहाँ से लोग निकल के इस देश के आले दर्जे पे बैठे हैं, जहाँ पर लोग निकल के नोबल पुरस्कार लाते हैं, इस देश का नाम ऊपर करते हैं, वहीं से एक निकल के इस देश को कट में ले जा रहा है, कुएं में ले जा रहा है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज हम कम तादाद में हैं, आने वाले दिनों में हम तमाम लोगों को एश्योर करना पड़ेगा कि आज जितने लोग हैं सब लोग एक आदमी मिलकर इतना लोग लाए, और हम बता देंगे कि हम माइनॉरिटी हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हक पर जब चोट आएगा, हमारा वसूल पर जब चोट आएगा, हम जनता के चोट में तुम्हें बता देंगे कि हम कट जाएंगे, लेकिन हम अपने हक को छुप जाने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इस देश को बटने नहीं देंगे। और अगर देश बट भी गया तो इस बार मुसलमान नहीं जाएगा, ये मुसलमान पैदा हुआ है और यही के कब्र में जाएगा, इस मिट्टी में पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में मिटेगा। तुम हो, अगर तुम्हें बांटना है तो जाओ अमेजन के जंगल में जाकर बस जाओ, हिंदुस्तान नाम रख लेना, वहां पर तुम अपने राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चला लेना, वहां पर तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मानववादी कॉन्स्टिट्यूशन चला लेना, वहां पर एक शाखा खोल लेना और एक पार्लियामेंट खोल लेना, जहां पर तुम्हारे बाबा चिन्मयानंद, नित्यानंद, कुलदीप सिंह सब जाके तुम्हारे वहां डांस करेंगे। ये मुल्क अमन पसंद लोगों का मुल्क है, ये मुल्क गंगा यमुना तहजीबी का मुल्क है, इस मुल्क को आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे नहीं बांध सकते, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि आज अगर किसी के सिर पे टोपी है, किसी के मुंह चेहरे पे दाढ़ी है, तो उसको शक के नजर से देखा जाता है, शक के नजर से तो इनको देखा जाना चाहिए, जो चार दिन जेल में नहीं हुआ, नौ मर्सी पिटीशन लिखते हैं, बोलते हैं बापू जी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, एक मौका तो दे दीजिए ना, हम आप ही के कहे गए रास्ते पे चलेंगे।